तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और बहुत ही खुशी हो रही है। तो गाइस ये मेरा वाला सीट है और ये नीचे वाला सीट मेरा है और ये वाला सीट सिस्टर का है। तो ये बच्ची अपनी मम्मी चली गई, इसके लिए रो रही है। ये बाबू का है, ए ए ए क्या हो बाबू, ये मुन्नू तो बच्ची पर रो रही थी, उसकी मम्मी गई बाहर ही रहे हाँ इसके लिए। तो गाइस हम लोग का सीट देखे, हम मैंने एकदम सब ढक के रख दिया एकदम। ये वाइट वाला दो चद्दर दिया है, ये वाला दो दिया है, एक तकिया भी दिया हुआ है और ये भी एक दिया हुआ है और ब्लैक कलर का ये ब्लैंकेट है, लेकिन ये मैंने लिया नहीं, मैं घर से लेके आया था। तो ये देखिए मुझे कितना पसीना होता है, यहाँ पे भीग गया पूरा। अरे पूरा सब लगेज वगैरह उठा के लेके आया, मेरा लगेज लग गया मैंने। हाँ ये दूसरे का है, ठीक है यहाँ पे सब रखा हुआ है। तो गाइस अपना थर्ड एसी है, गरीब लोग क्या बोले थर्ड एसी में हम लोग जा रहे हैं सफर निकल के। फर्स्ट एसी में भाई फ्लाइट से जाते हैं, ये फ्लाइट से फ्लाइट से जाते हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं पहली बार, सही बात है। और देखिए यहाँ पे मिरर भी रखा हुआ है ना, गजोधर ए संकटा ये अपना ट्रेन चला के फगुनिया ये अपना ट्रेन चला के बाजू वाला, ये अपना ट्रेन नहीं चला बाजू वाले ट्रेन चला, यही मैं नहीं ले, ये लोग आ रहे हैं इसके लिए। तो गाइस सेटअप हो गया, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। साथ में ना ठीक है, बात नहीं, चलो अभी मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं सीधा, खाना इसने बना के दिया है, हम लोगों ने पैक भी किया, आप लोगों ने देखा शॉर्ट वीडियो में, देखा होगा आप लोगों ने। और भूख लगेगा तो खाऊंगा मैं रात को, अभी थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद एसी चालू हुआ अभी जस्ट, और ये रहा मेरा विंडो, तो बहुत बड़ा विंडो है और यहाँ से वीडियो वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, जो मतलब जो आते रहेगा, जो जैसे मतलब ऐसे तो अभी सोने जा रहा हूँ मैं इसके बाद। तो मुझे लगा कि अभी एसी शायद इतना स्लो है तो, लेकिन अच्छा है एसी, फास्ट है। The next day. तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और आप लोगों को दिखाता हूँ सुबह का नज़ारा। इरा ट्रेन अभी तक चल रही है और सिस्टर अभी यहीं पे सो रही है, ये उसको उठाया नहीं, पापा का कॉल आया था तो बात हुआ थोड़ी देर पहले। जैसे भी टाइम हो रहा है 7:15 और ऐसे ही रात को सोया नहीं था, सुबह कितने बजे, 3 बजे थोड़ा बहुत नींद लगा था मुझे, तो अभी 7 बजे तक सोया था। और बहुत ज़्यादा ठंडी भाई, थर्ड एसी में अगर इतना ज़्यादा ठंडी रहेगा तो फर्स्ट एसी में कितना ठंडी रहेगा बताओ आप लोग। तो गाइस नज़ारा देखो गाइस, खेत, बहुत दिनों से खेत नहीं देखा गाइस, बहुत सालों से। कहाँ पे अभी पहुँचे है वो लोकेशन देख के मालूम करना पड़ेगा। लोकेशन मैंने देखा तो लोकेशन में बता रहा है कि हम लोग अभी खांडवा पहुंच चुके हैं। गाइस ये जिपर में लाया था,
मुझे पता था कि इतने ठंडी होने वाली है ताकि जिपर काम आ जाए, तो ये जिपर भी लाया था मैंने, तो काम आ गया। अभी ठंडी से मुझे बचा रहे, बहुत ज़्यादा ठंडी है और एसी ऐसा बंद चालू करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट सीधा एसी है, तो ये जिपर काम आ जाए। बाकी जो लोग नहीं लेके आए फिर वो लोग तो भाई ठंडी के मारे काम से जा रहे सब। भाई देखिए सुन गए, इधर देखो सो गए, रात का 2 बज रहे, देखो ये पागल है तो सोया नहीं, क्या कर रहे है देखो, इलायची खा रहे डब। मैं तो इधर पुलिस जैसे बैठी हूँ एकदम चुपचाप, पुलिस ऑफिसर जैसे। इसको भी नींद नहीं आ रहा, चार्जिंग मत लगाना, अभी चार्जिंग मत लगाना, जगे रहोगे तो ही लगाना। ये अभी सोई नहीं है, इसको अभी मैंने इलायची दिया, इसको मैंने इलायची दिया खाने के लिए। ये देखो ये किधर गया पैकेट, देखो ये पैकेट ले गया मैं, ये इलायची दिया उसको, अभी खा रही थी बैठे बैठे, मेरे को तो पसीना हो रहा था अंदर पसीना हो रहा था मेरे को। तो जनाब कैसा लग रहा है? देखिए अभी वो डिनर कर रहा है, मैंने बना के लाई थी बैंगन का सब्जी एंड रोटी घी वाला, उसको इतना भूख लगा था, देखो कैसे खा रहे थे। मैंने उसको जबरदस्ती जगा के खिला रही हूँ कि खा ले खाना, सुबह सो जाना। गाइस जानते हो ये क्या है? ये खेत है, आप लोग सब जानते होंगे, ये है हमारे इंडिया का सोना। इसी खेत में से फसल उगता है और उसी फसल को सब खाते हैं, तो सोना ही हुआ ना गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10:15 और मैं वापस एक बार उठ चुका हूँ, मुझे अभी खाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए आप लोग धूप कितना निकला हुआ है, इसके वजह से थोड़ा लाइट ज़्यादा फोकस हो रहा है। और सिस्टर भी अभी जग चुके हैं, यहाँ पे बैठी हुई है अभी, और सब अंकल आंटियाँ भी बैठे हुए हैं। तो एक्चुअली मेरा सर अभी तक भारी होके पड़ा हुआ है, कल पूरा सामान सब उठा के लेके आया, इतना पसीना हो रहा था और उसके ऊपर फिर ब्लड प्रेशर भी हाई था, और दवाई भी नहीं ले आया था क्योंकि टाइम भी नहीं था, तो बस थोड़ा बहुत दवाई जो मैंने मेडिकल स्टोर में से लेके आया था वही सब दवाई से थोड़ा काम चला रहा हूँ। और अभी खाने का मन भी नहीं कर रहा था, सुबह चाय पिया था बस अभी जब वापस सोने जाऊँगा बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और प्रे करना कि बस सफ़र अच्छा रहे। आज अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं भी सोया हूँ। एक्चुअली क्या है, गैस का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा रोटी खाया और भिंडी खाया था। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है 6 और हम लोग अभी यूपी एंट्री कर चुके हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:15 और अभी हम लोग का डिनर हो चुका है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सिस्टर सोई हुई है और अभी टाइम हो रहा है 3:30। मुझे तो खाली 1.5 घंटा ही नींद आया था बस, उसके बाद फिर जगा हुआ था, नींद ही नहीं है, घर पे जाके आराम से सोऊंगा मैं। गाइस अभी धानबाद स्टेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी गाड़ी यहीं पर रुकी हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, सिस्टर भी गई अभी वॉशरूम, तो जस्ट अभी रेडी हो जाता हूँ और सब तैयार करके अभी सब बैग वैग को रख देता हूँ। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 6:30 और मैं और सिस्टर दोनों जन अभी तैयार हो चुके हैं और ये इधर बैठी हुई है,
क्या देखो अभी इतनी ठंडी लग रही थी, अभी एसी कम करवा दिया, अभी आधा करवा दिया, ट्रेन की कुछ काम नहीं हो रहा है। बताओ अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेन चालू हो गई, मतलब रुका था ट्रेन, तो अभी थोड़ी देर देखो अभी कंबल ओढ़ के वापस हो गया मैं, लेकिन अच्छा नहीं कब आएगी अभी रानीगंज, कब आएगी जाके फिर बहुत लेट हो गया। अभी अभी मुंबई वापस जाते टाइम फ्लाइट का टिकट बुक करवाएंगे, अभी ट्रेन का टिकट नहीं करवाएंगे। तो गाइस सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए, सुबह सुबह कितना हरियाली हरा भरा लग रहा, मस्त एकदम, और कोहरा भी है और आसमान देखिए एकदम साफ दिख रहा है। मेरे ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तुम्हारा कैमरा क्वालिटी तो हाई क्वालिटी ना, एप्पल है तुम्हारा। तो गाइस फाइनली हम लोग वेस्ट बंगाल एंट्री कर चुके हैं, और अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर बाद ही आसानसोल पहुंचने वाले हैं, और तबीयत अभी भी मेरा थोड़ा डाउन है, बात करने का जी नहीं कर रहा है मेरे को, बस खाली लग रहा है कि ऐसे सो जाऊं, फिर उसके बाद सीधा उठूं उधर बंगाल जाके, लेकिन अभी सब सामान्य मन सबको बाहर निकालना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली रानीगंज हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी ट्रेन भी छूट गया है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट चालू है, और सिस्टर भी अभी सब सामान लेके बैठे हुई है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पापा भी आए हैं अभी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे, तो मिलाते हैं पापा से और सीधा मिलते हैं वर्धमान। तो गाइस फाइनली हम वर्धमान में उतर चुके हैं, और ये अपना सामान लेके जा रहे हैं भाई लोग, ये दो जन। तो गाइस वर्धमान स्टेशन से हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, और ये रहा अपना वर्धमान स्टेशन पीछे, तो अभी देखते हैं कि टैक्सी या टोटो कौन सा ले सकते हैं हम लोग। तो गाइस एक टोटो ले लिया है, अभी टोटो में जाएंगे हम लोग। अपने यहाँ पे इस टाइप का टोटो मिलता है, यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलती, तो देखिए इस टाइप का टोटो मिलता है, इलेक्ट्रिक है ना भाई, ये बैटरी वाला। तो और ये रहा अपना शहर वर्धमान। ये है वर्धमान जीटी रोड।
ये मेरा दोस्त है। ओए क्या बना जीस पहचान गया उसको मैं, कितना मोटा हो गया देखो, कितना साल बाद देख रहा हूँ, पहचान गया उसको। हाँ मेरा दोस्त दे, ये है ना, ये पोल है ना, ये पोल के पास रुक, ये सामने पोल, ये सामने पोल है, ये नहीं आगे, ये वाला पोल लेफ्ट साइड, भीतर डूबे तो हाँ डूबे जाओ भीतर, हमें नहीं पहुँची ताले है। तो गाइस ये अपना गली, ऑटो इतना हिलता है, हिल रहा है। तो गाइस ये अपना, बस हम पहुंच ही गए घर पहुंचने पर। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और ये रहा मेरा घर। तो ये अभी नया काम चालू है घर का, और ये देखिए कितना मस्त आम, आम बन पूरा, कितना सारा आम है मेरे घर पे, देखिए गाइस। और ये मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, और ये भी सब अभी नया रीति अभी डाला गया है, तो बहुत सालों के बाद अभी आया फाइनली, यकीन नहीं हो रहा है लेकिन आ गया। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और बहुत ही खुशी हो रही है, और बस अभी रो मत, जब से आए तभी से रोए ही जा रहे, रो मत ठीक है बस। तो गाइस फाइनली आ गए, बस अभी इंतज़ार मतलब अभी ख़त्म हुआ है, बहुत इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी तो आते ही रोने लग गई, मैं बोली इतना रो मत, मैं भी मतलब रो नहीं पा रहा, मतलब इतना खुशी है कि मतलब रोना को मतलब पूरा ढक दे रहे। तो बस मुझे आ गए, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और मम्मी पापा से मिलते हैं गाइस।